साल बाद शनि अपनी ही राशि कुंभ में आ चुके हैं। अब मकर राशि भी शनि देव की प्रिय है, तो क्या 2023 में शनि मकर राशि वालों को नहीं सताएंगे? क्या साढ़े साती का साया मकर राशि वालों पर से हट जाएगा? आइए ये सब जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, उनकी खुद की प्रिय राशि मकर। मकर राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, मकर नहीं, क्षमा करिएगा, मकर राशि शनिदेव की राशि है, स्वराशि है, लेकिन कुंभ राशि जो है उनकी मूल त्रिकोण राशि है, ये कहने में थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई। तो मकर राशि वालों के दूसरे भाव में शनिदेव ने गोचर किया है, आप पर शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण शुरू हो चुका है। दूसरे भाव में शनि आपके चौथे, आठवें और ग्यारहवें भाव को प्रभावित करेंगे। शनिदेव मकर राशि वालों को मिले जुले परिणाम देंगे, मान सम्मान में थोड़ी कमी आएगी, वाणी पर कंट्रोल रखना होगा, छोटी सी गलती या छोटी सी गलत बात बड़े झगड़े या परेशानी का रूप ले सकती है। पारिवारिक जीवन में क्लेश के योग बन सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे तो हर परिस्थिति पर काबू पा लेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, मेहनत का फल मिलेगा, बचत बढ़ेगी और शनि कृपा से आप प्रॉपर्टी खरीदने में भी सफल होंगे, प्रॉपर्टी से लाभ भी मिलेगा। आपके परिवार और रिश्तेदारों से संबंध मजबूत हो जाएंगे। पारिवारिक कारोबार करते हैं तो उसमें भी बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन इस समय कारोबार में सोच समझकर निवेश करिए, वरना पैसा फंसने के प्रबल योग हैं। नौकरी करने वालों के लिए समय अच्छा है, आमदनी भी बढ़ेगी, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं होगी। नई नौकरी के लिए कई अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन शनि की दृष्टि में नौकरी बदलना शुभ साबित नहीं होगा। अपने काम में लापरवाही की तो भारी नुकसान की भी संभावना है। विद्यार्थियों को अपनी संगत पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, वरना पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी।